ओम शांति। शिव बाबा के द्वारा रचे हुए इस महान यज्ञ की वो महान विभूतियां मम्मा और बाबा, जिनकी पालना पाने वाली हमारी आदरणीय श्रद्धेय दादियां हमेशा अंग संग रहकर उनके राइट हैंड बन करके बाबा के इस कार्य को बेहद में ले जाने का कार्य किया, बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम किया। जब हम इस ज्ञान मार्ग में आए तब हमने साकार बाबा को नहीं देखा था, मन में जरूर संकल्प चलता था हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन इन दादियों का प्यार, दादियों की पालना, दादियों के स्नेह ने हमें साकार का अनुभव किया। साकार को हमने इन दादियों के द्वारा ही देखा, तो सचमुच में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, देर से आते हुए भी सब दादियों का प्यार पाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। ऐसे में आदरणीय श्रद्धे हमारी दादी जानकी जी के लिए कहना चाहूंगी, दादी जी का प्यार मुझे समय प्रति समय मिलता रहा, क्योंकि मैं हमेशा एक बार दादी को मैंने कहा, दादी आप विदेश में रहते हो, हम तो भारत में रहते हैं, और सब दादियों से मैं मिलती हूँ, आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं, क्योंकि उस समय कुंभ मेले के उपलक्ष में दादी जी को मैं ले करके इलाहाबाद से लखनऊ आ रही थी, हम गाड़ी में साथ साथ में थे, तो दादी ने कहा देखो संगम का कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रह सकता, आपका संकल्प था ना बाबा ने पूरा किया, 4 घंटे के सफर में हम आपके साथ में, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। इससे दादी ने रास्ते भर में ज्ञान के टिकलू टिकलू करते हुए इतने अच्छे अच्छे ज्ञान श्रृंगार से हमें श्रृंगारित किया, तो मैं यह सौभाग्य कहूंगी। इसके बाद भी दादी जी हमारे बीच में आती रहे, लेकिन मैं खास अनुभव दादी जानकी जी का सुनाना चाहूंगी कि गुलजार उपवन नाम का एक रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए जमीन लिया था, तो उस जमीन के लिए हम फाउंडेशन स्टोन दादी जानकी जी से रखवाना चाहती थी। 2 अक्टूबर का समय हमने तय किया था, लेकिन हमें पता पड़ा 2 अक्टूबर दादी जानकी जी लंदन में है, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई थी इंडिया। तो फिर हंसा बेन से बात किया तो कहा कि असंभव है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने डेट फिक्स कर लिया है, तो हमने सारे कार्ड शादी छपा लिए, सारे वीआईपीस को निमंत्रण दे दिया, जो भी ब्राह्मण परिवार में भारत के कोने कोने भाई बहनों से भी हमने निमंत्रण देकर उनको बुलाया। ड्रामा की भावी कहेंगे और संगम युग की बलिहारी, बाबा का वरदान, दादियों का स्नेह कहेंगे। 2 अक्टूबर जो हम लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की थी, पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी, 10 दिन लगातार बारिश, इतनी बारिश, जहां टेंट लगाने वाले टेंट वाले भाई ने कहा यहाँ हम लोग टेंट नहीं लगा पाएंगे, कृपया अगर आप कार्यक्रम को करना चाहते हो तो पोस्टपोन करिएगा, या तो किसी हॉल में आपको करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि फाउंडेशन स्टोन यहाँ का होने वाला है, हम हॉल में कैसे प्रोग्राम करेंगे, हमने कार्यक्रम को स्थगित कर लिया। उसके तुरंत बाद हम माउंट आबू में गए, हमारे बाबा से मिलने का उत्तर प्रदेश वालों का प्रोग्राम था, तो हम बाबा से मिलने मधुबन गए। मधुबन बाबा से मिल करके वापिस लौटने का दिन आया, फिर हम दादी जानकी जी से मिलने गए, वो था 18 या 19 अक्टूबर का दिन था, तो दादी से मिलने गए। हमने फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया, दादी जी हम चाहते हैं लखनऊ के गुलजार उपवन के फाउंडेशन स्टोन में आप जरूर आइएगा, क्योंकि हम सब की भावना है, ड्रामा गए ही कहेंगे, 2 अक्टूबर के तय कार्यक्रम के अनुसार होना था, बारिश के कारण नहीं हो पाया, शायद ड्रामा में आपके हाथों से उसमें फाउंडेशन स्टोन रखना होगा। मैं बाबा को दिल से धन्यवाद कहूंगी, हमारी दादी जी से, तुरंत दादी जी ने स्वीकार करके नवंबर का डेट दिया, 3, 4, 5 नवंबर। तो दादी ने कहा मैं 3 दिन लखनऊ में टाइम दे सकती हूँ, बस मेरे तो
पंख लग गए। मुझे लगा जैसे बाबा ने मेरे दिल की आवाज सुन ली है। बहुत समय कम था, कम समय में भी हम लोगों ने आकर के यहाँ तुरंत तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि 103 साल की हमारी दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हमारे बीच में आ रही है और उनके कर कमलों से हम फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तुरंत हमने फटाफट हमारे सभी VIPs को, खास करके मैं उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निमंत्रण देने चली गई। तो उन्होंने कहा, बहन जी मैं आना तो चाहता हूँ, दादी जी इतनी पुरान बुजुर्ग हमारी तपस्वी मूर्त आते हैं, आना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, समय बहुत कम है, आपने थोड़ा देर से हमको बताया। हमने कहा, भाई साहब देर से ही हमें समाचार मिला दादी जी का अचानक आगमन हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जरूर कोशिश करेंगे, हमारा एक कार्यक्रम देहरादून में लगा हुआ है। तो हमने कहा, नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा दादी जी के स्वागत पे, चाहे 2 मिनट के लिए भी आप आइएगा। तो बाबा और ड्रामा के ऊपर मुझे इतना विश्वास था, तो उसी भावी अनुसार उस समय तो मुख्यमंत्री जी ने मना किया, लेकिन 3 तारीख का प्रोग्राम था दादी जी का आगमन का। मुश्किल से मुझे लगता 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं हम दादी जी के दर्शन के लिए आएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, इतना सुंदर माहौल बन गया, सभी भाई बहनें बड़े उमंग और उत्साह में, और जानकी दादी जी 103 साल की उम्र की हमारे लखनऊ के सभी मंत्रीगणों के बीच में और सभी हमारे VIP सभी भाई बहनों के मन में उमंग उत्साह दौड़ गया। इस उम्र में दादी जी सफर करते हुए लखनऊ आ रही है, इतने उमंग उत्साह के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सेवा केंद्र पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। बस हमने दादियों की विशेषता ये देखी, पद में कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन उनकी मातृत्व की भावना, उनका प्यार, उनका सम्मान, तो माननीय मंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक छोटे बच्चे के रूप में देखा। ऐसे लग रहा था माँ और बच्चे का मिलन हो रहा है, धर्म शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, राज्य शक्ति, तीनों का समन्वय। तो एक ऐसा मंच, ये सब दादी जी के कारण ही हुआ। अगर दादी जी न आते तो मैं समझती हूँ कि इतना प्रोग्राम इतना भव्य और दिव्यता के साथ संपन्न नहीं होता। दादी जी के आगमन से ही लखनऊ के अंदर इतना बृहद कार्य संपन्न हुआ, और मैं तो कहूंगी कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या कांड का रिजल्ट भी आना था। उसके बाद बहुत से भाई बहनों ने आकर के कहा, दीदी उसका जो हाईकोर्ट के द्वारा उस जो सुनवाई होनी थी, एकदम शांति के साथ पूरे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कोई भी अराजकता को, लड़ाई झगड़ा को, इससे पहले कई बार माहौल तो बना था, लेकिन ऐसे महान विभूतियों के पैर रख करके जाने के बाद माहौल इतना शांत और शीतल हो गया, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को दादी जी की दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण बड़े से बड़े समस्याओं को इतनी सहजता से उन्होंने सुलझाया। तो ये हम कहेंगे, ऐसे त्यागी तपस्वी मूर्त, आदरणीय श्रद्धेय दादियों का आगमन, उनका तपस्या का बल, और पूरे माहौल को, बड़े बड़े समस्याओं को भी हल किया। और दादी जी का दूसरे दिन गुलजार उपवन में फाउंडेशन स्टोन का कार्यक्रम निमित्त रूप में यहाँ सेवा केंद्र पर भी हुआ था 3 तारीख को, लेकिन बृहद कार्यक्रम 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों के बीच में इतना प्यार, स्नेह, उमंग, उत्साह के साथ दादी जी उपस्थित होकर सबको दृष्टि देकर अपने कर कमलों के द्वारा फाउंडेशन स्टोन डाला। तो मैं ये अहो सौभाग्य कहूंगी, इन महान विभूतियों का आगमन और इन महान विभूतियों की दिव्य दृष्टि, जैसे लगा कि माहौल ही अध्यात्ममय हो गया, माहौल ही ऐसे सतयुगी नई दुनिया के निर्माण की झलक दिखाई दे रहा था। तो कहने का मेरा भाव है, जाने से पहले, क्योंकि 2020 में
दादी जी ने अपने पुराने वस्त्र को त्याग किया। ये 2019 की बात है। लखनऊ में आकर लखनऊ निवासियों को ये अहोस सौभाग्य दिया। कल्प कल्प की नोंद हो गई कि हम दादी जी के सन्मुख पाना, उनका प्यार, सभी भाई बहनों से, सभी टीचर्स बहनों से मिल करके सब के अंदर उमंग उत्साह का संचार किया। और 2020 में 20 जनवरी या फरवरी, मुझे दिन याद नहीं आ रहा, कि बेंगलोर में भी दादी जी पहुंचे थे। मैं वहां भी गई थी, लास्ट वो मुलाकात थी मेरी। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा था, तब भी इतने प्यार से मेरे को दृष्टि दे करके दादी जी ने वरदान दिया। आज उनका वरदान का फल है, उनका प्यार स्नेह का फल है, जो मैं इस आध्यात्मिक पथ पर भी निस्संकट निश्चिंत होकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिल से दादी जानकी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जाते जाते भी हम सब उत्तर प्रदेश निवासियों के अंदर उमंग उत्साह भर करके, ये खुशी का संचार करके, महान कार्य की नींव डाल करके, भविष्य के लिए प्रेरणा देकर और ज्ञान युक्त, योग युक्त बनने का संकल्प दे करके गई। ऐसे महान विभूति को पा करके मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बाबा को, दादी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओम शांति।